ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। और हमारे सिलेबस के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नंबर वन इज अमॉर्फस सॉलिड्स एंड नंबर टू इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो बारी बारी हम इसको टर्न बाय टर्न हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमॉर्फस सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब बेतरतीब। ठीक है, लाइक इन दिस वे। ठीक है, देखें बेतरतीब, पता नहीं कोई इनकी अरेंजमेंट कोई बन ही नहीं रही एक दूसरे इस तरह, ये जो हमारे पास है स्टिक टुगेदर। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें ये एक रेगुलर पैटर्न है। देखें ये यूं करके देखें एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, दे आर इररेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है, अच्छा जी, नंबर टू पर जो पॉइंट है, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉट शार्प, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब शार्प का मतलब क्या होता है, मैं आपको शार्प का मतलब बताऊँगा। ठीक है, उससे आपको नॉट शार्प का भी पता चल जाएगा। शार्प कहते हैं हम, लाइक हम पता है कि एन ए सी एल जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 801। ठीक है, ये ना 800 हो सकता है ना 802 हो सकता है, ये एग्जैक्टली 801 है, तो ये 801 ही होगा। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर जो फिक्स्ड होते हैं, जो कन्फर्म है, जो एग्जैक्टली हमें पता होते हैं, दैट इज़ शार्प। ठीक है, जिनका एक एग्जैक्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे आर नोन एज शार्प। तो इसके ऑपोजिट नॉट शार्प, जिनका हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, लाइक हम कहते हैं इतने से इतने के दरमियान हो सकता है, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज नोन एज शार्प। तो हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके पास दे हैव नो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर, फॉर जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी एग्जाम्पल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। और अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं किसके, अमॉर्फस सॉलिड्स के। इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं रेगुलरली अरेंज होते हैं। ठीक है, नंबर दो पे दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लाइक मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दी, एग्जैक्ट होता है बिल्कुल। ठीक है, इससे ना ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स होता है। और कि एग्जाम्पल जो हैं हमारे पास वो हैं डायमंड एंड सोडियम क्लोराइड एट्सेट्रा। और इसके अलावा बहुत यानी कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपके लिए दो उनमें से लिख दिए आपके लिए। ठीक है, अभी बुक में बड़ा कॉम्प्लेक्स करके इसको लिखा हुआ, उन्होंने डायग्राम वगैरह नहीं बनाई। देखें मैंने आपको यहाँ डायग्राम बना दी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एलोट्रॉपी स्टडी करेंगे। ठीक है।